यशोधरा नगर थाना क्षेत्र में एक डकैती का मामला सामने आया है। फिरियादी सुबह टहलने गए हुए थे, तभी आरोपियों ने पीट पीटे उनके घर में चोरी की वारदात को अंजाम दिया। प्राप्त जानकारी के अनुसार यशोधरा थाना क्षेत्र के निवासी कमल अडवाणी, जो कि एक रिटायर्ड व्यक्ति है, इनकी पत्नी अपने परिजन के यहाँ विदेश गई हुई है। वारदात के दिन कमल रोज की तरह सुबह टहलने गए थे। जब वो वापस आए तो उन्हें घर का दरवाजा खुला दिखाई दिया। अंदर जाने पर उन्हें हेलमेट पहने दो व्यक्ति चोरी करते नजर आए। कमल ने उन्हें रोकने की कोशिश की, मगर दोनों आरोपियों ने कमल को कट्टा दिखाया और घर से 2 लाख कैश और सोने के आभूषण लेकर फरार हो गए। आरोपी घर से निकलते ही कमल ने चिल्लाना शुरू कर दिया। कमल की आवाज सुन बाहर खड़े एक युवक ने उन चोरों को रोकने की कोशिश की, मगर उसे भी कट्टा दिखा कर वे आरोपी फरार हो गए। ये वारदात सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हुई है। कमल ने इसकी शिकायत यशोधरा थाना में दर्ज करवाई है। पुलिस इसकी जांच कर रही है। मेरा नाम कमल अडवाणी है, 58 वर्ष मेरी उम्र है। कल सुबह मैं मॉर्निंग वॉक पे रोज के हिसाब से गया, उतने पीरियड में ही इन्होंने 35 मिनट में मेरे घर का कुंडा तोड़ करके चोरी की इन्होंने। और जैसे ही मैं दरवाजे पे पहुंचा, मुझे वो बाहर निकलते हुए मिले, तो मैंने उनको धक्का मार के अंदर किया, तो एक व्यक्ति ने तमंचा, कट्टा, रिवॉल्वर, जो भी बोले ठोक दूंगा ऐसा बोला, तो मैं घबरा गया और उन्होंने जाते जाते मेरे को मेरा दरवाज़ा बाहर से बंद कर दिए। तो मैंने बाहर आके दूसरी गैलरी से चिल्लाया, तो सड़क पे जो चौक पे लोग खड़े रहते वो दौड़े, और पेट्रोल पंप से कोई गाड़ी पेट्रोल भरा के जा रही थी वो भी दौड़े उनके पीछे, लेकिन उनके हाथ में तमंचा रिवॉल्वर जो भी था वो देख करके वो लोग भी घबरा गए, तो उसके पीछे ज़्यादा दूर जा नहीं पाए। जिस तरह से उन्होंने काम किया है, ये ऐसा लग रहा है कि उनको पूरा मेरे प्रतिदिन की उस पर वो नज़र रखे थे, क्योंकि उन्होंने किसी ने खबर दिया होगा कि घर मालिक आ गया, तो वो वापस निकलने के ही निर्णय से वो लोग वापस आ गए थे गेट तक, मेरे घर तक 2 से 2.5 लाख रुपए नगद गया है, तो बोल नहीं सकते ना। तो काल दिनांक 7 जून रोजी सकाळी 8 वाजता फिर्यादी कमल नानकराम अडवाणी हे नेहमीप्रमाणे मॉर्निंग वॉकिंग करिता आपल्या दाराला कुलूप लावून गेलेले होते, आणि 15-20 मिनिटानंतर ते घरी परत आले, तर त्याच्या घराचा कोंडा तुटलेला दिसला। त्याला अचंबित वाटलं का घराचा कोंडा का तुटलेला आहे, लॉक तुटलेला आहे। आत जसं प्रवेश केला तसे आतमधून 2 इसम जे बॅग लटकवलेले होते पाठीमागे, आणि दोघांनी डोक्यामध्ये हेल्मेट घातलेले होते, वय अंदाजे 40-45 वयोगटाचे होते। त्यांनी फिर्यादीला धक्का मारून त्यांचा निघण्याचा आणि फिर्यादीचा आत प्रवेश करण्याचा एकच वेळ झालेला होता। फिर्यादीने विचारलं तुम कोण आहे क्यू आहे, तर त्याने एकाने शस्त्रासारखं एक वेपन काढलं आणि त्याला लावलं, ज्यादा बोलेंगे तो ठोक देंगे असे म्हटले, आणि तात्काळ खाली उतरले आणि मोटरसायकलने पळून गेले। आणि जाताना त्यांनी बाहेरून दाराचा कडीकोंडा लावून घेतलेला होता, त्यामुळे फिर्यादी हे गॅलरीमध्ये गेले आणि तिथून ओरडले का चोर चोर चोर, आणि ओरडून मग आजूबाजूचे काही लोक आले, त्यांनी पण बघितले, परंतु ते मोटरसायकलवर होते दोघे इसम, आणि ते राणी दुर्गावती चौकाकडे तिथून पळून गेले बाईकने। सदरचे दोन्ही इसमांचा शोध सुरू आहे, सर्व प्रकारचं तांत्रिक विश्लेषण करून वगैरे आरोपी लवकरात लवकर अटक करण्याचे प्रयत्न सुरू आहे। फिर्यादीचं नाव आहे कमल नानकराम अडवाणी, वय 57 वर्ष आहे, ते रिटायर्ड बाबू होते एका स्कूलमध्ये, ते रिटायर्ड झालेले आहे याच वर्षी, आणि ते घरी एकटेच राहतात। आणि घटना घडली तेव्हा एक पिस्टलसारखं त्यांना दाखवलं, म्हणजे एक छोटंसं अवजार होतं सिल्वर रंगाचं, ते असं दाखवलं असं फिर्यादी सांगतात। आणि त्यांच्या घरातील माल जो होता त्याच्यामध्ये अंदाजे 2 लाख रुपये कॅश नगदी गेलेली आहे, सोन्याचे जे दागिने वगैरे होते संपूर्ण ॲज इट इज घरामध्येच होते। कदाचित फिर्यादी लवकर आल्यामुळे त्यांना पळून जावं लागलं, 2 लाख रुपये अंदाजे चोरीला गेलेले आहे। NBC न्यूज के लिए अखिलेश भारद्वाज के साथ अभिषेक पानसी की रिपोर्ट।